Good morning students, welcome back to my video. In this video we are going to discuss tools in Photoshop toolbox. In previous video we have discussed the application window and image window of Photoshop. Today we are going to learn tools of Photoshop. The Photoshop toolbox contains a set of tools that help us to create and manipulate images with each. ये जो आप देख रहे हो toolbox, इसके अंदर बहुत सारे tools दिए गए हैं जिनका use करके हम फोटोशॉप में इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके यूज के हैं, वो जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में या इस क्लास में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ये जो आप देख रहे हो मार्क सिलेक्शन टूल दिख रहा है आपको, जो मार्क सिलेक्शन टूल है help us to make selection of an image. जो mark selection tool है वो हमको किसी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. ये जो आप देख रहे हो move tool दिख रहा है आपको. This move tool help us to move image or selected part of the image. ये जो move tool है ये किसी image को select करना, select करके उसको move करने में हमारा help करता है. हम किसी part को image के या image को move करने के लिए इसका use करते हैं. ये जो आप देख रहे हो lasso selection tool या lasso tool help to make a free from selection ये हमको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन यानी फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. हम अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे सिलेक्शन बॉर्डर के अराउंड और वो रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करता चला जाता है. हम ऐसे अगर हमको इसको मान लो सेलेक्ट करना है तो हम इसके ऐसे बॉर्डर पे ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर, वो इसको सेलेक्ट कर लेगा. तो फ्री फ्रॉम हैंड है. क्यों इसको फ्री फ्रॉम कहते हैं? क्योंकि अभी आप जब मार्कर सिलेक्शन टूल यूज करोगे तो उसमें कुछ शेप्स हैं जैसे रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, तो उस शेप में ही आप चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो. लेकिन लासो टूल के साथ ऐसा नहीं, उसको हम जैसे अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करता है. क्लियर? अब मैजिक बॉन्ड सिलेक्शन टूल help to select area of similar color in an image. ये similar color या similar pattern के area को select करने में हमारा help करता है तुरंत, क्योंकि ये select कर लेगा उसको by pattern या by color जैसे भी उसको वो identify कर पाएगा. crop tool, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? crop tool help to crop an image. किसी image को crop करना हो, unwanted part को हटाना हो, उसको क्रॉप करके छोटा करना हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं क्रॉप टूल. ब्रश टूल, ब्रश टूल का जो यूज है यहां देखो आप ब्रश इन इसका यूज है हेल्प टू ड्रा एंड पेंट ऑब्जेक्ट. ये जो ब्रश टूल आपको पेंट ब्रश दिख रहा है इसका काम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पेंट करना या ब्रश करने के लिए. क्लियर? इरेजर टूल, ये आपको इरेजर टूल दिख रहा है,
इरेजर टूल हैव टू इरेज एन इमेज आर पार्ट ऑफ इट, किसी इमेज के किसी पार्ट को इरेज करना हो, किसी इरेज पार्ट किसी इमेज को पार्ट को इरेज करना हो, किसी इमेज को इरेज करना हो, तो उसके लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। पेंट बकेट टूल, यहां दिख रहा है पेंट बकेट टूल। दिस पेंट बकेट टूल हेल्प टू फिल एन इमेज विद सम कलर, हमको अगर कोई इमेज है उसको कलर करना है तो उसके लिए कलर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दिस टूल इज यूज टू फिल एन इमेज विद कलर्स। ओके, आई ड्रॉपर टूल, ये दिख रहा है आपको आई ड्रॉपर टूल। दिस आई ड्रॉपर टूल हेल्प अस टू सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग इमेज ओपन इन फोटोशॉप, अगर आप चाहते हो कोई इमेज आप पहले से ओपन कर रखे हो और उससे कोई कलर आपको अच्छा लगा, उस कलर को आप चाहते हो कि किसी और इमेज में हम यूज करें, तो उस कलर को आप सेलेक्ट करने के लिए, पिक करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। हैंड टूल, हैंड टूल आपको दिख रहा है, हैंड टूल हेल्प टू ड्रैग एंड इमेज व्हेन यू आर इन जूम मोड, जब आप फोटोशॉप में जूम कर दिए हो, इमेज बड़ा हो गया है, आप किसी स्क्रीन से बाहर है तो आपको कुछ हिस्सा नहीं दिखेगा इमेज का, तो उसको हम ड्रैग करने के लिए इसका यूज करेंगे, पिक्चर को ड्रैग करने के लिए हैंड टूल का यूज हम करते हैं। जूम टूल, जूम टूल हेल्प टू जूम इन एंड आउट टू वर्क विथ फिंगर पोर्शन ऑफ एन इमेज, ये जो आप देख रहे हो जूम टूल, इसका काम क्या है, जूम इन जूम आउट, इमेज को छोटा या बड़ा जूम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, हम क्लिक करते चले जाएंगे तो इस तरीके से वो जूम करता चला जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टूल आपके बुक में दिए गए हैं उनको हमने आज डिस्कस कर दिया है, आप बुक से भी पढ़ोगे इसको एक बार और देख भी लोगे, वीडियो भी देखोगे, आप देख रहे हो किसी किसी टूल के नीचे इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बटन है राइट कॉर्नर पे, ये एक बटन है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो इस टूल का, जैसे आप मान लो आपने यहाँ मार्क सिलेक्शन टूल पे उसके कॉर्नर एंगल पे क्लिक किया, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसके ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, तो ये जो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हो इस पे क्लिक करने के बाद इस टूल के और जो ऑप्शन है वो भी आपको दिखेंगे। ओके?